नमस्कार, मैं लीना पटेल। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरी चैनल नेचुरल लाइफ विद दीना में। आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस आइटम घुंघरा बटेका, जिसे हिंदी में मसाला आलू भी कहते हैं। और ये बनाना बहुत आसान है। कभी चटपटा खाने की इच्छा है तो जल्द ही बन जाता है, तो आप उसको देखिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसके लाइक करना, शेयर करना। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और पास में रहने वाला बेल आइकन बटन जरूर से दाबे, जिससे आपकी मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। घुंघरा बटेका के लिए यहाँ पर मैंने 3 कनी जितना लहसुन लिया है, जिसके छिलके मैंने निकाल लिए है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, याद रखिए आपको यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ही लेना है, वरना ये बहुत तीखा हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ ब्लेंड करने में पानी का उपयोग नहीं करना है। अगर ये नहीं हो रहा है ब्लेंड तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये ब्लेंड हो चुके हैं तो, और अब यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने उबाल कर छिलके निकाल लिए हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह पूरे रख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने बीच में से कट कर दिया है। अगर आपके पास बहुत छोटे छोटे आलू है तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं बिना कट किए, और आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीच में से ही कट किया है। तो ये हो चुका है, तो चलो इसे अब हम अच्छे से सब्जी जो है घुंघरा बटेके वो बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, याद रखे यहाँ पर ऑयल थोड़ा ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी हमें। तो जब ये ऑयल गरम हो जाए तब हम उसमें हमारा जो ये मिक्सर है वो ऐड कर देंगे, जिसे हमने ब्लेंड किया था। लहसुन और मिर्च की जो पेस्ट है इसे हम ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर लो ही रखेंगे, वरना ये जल जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें से जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसे लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें जो हमारा जो पानी है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो पानी यहाँ पर मैंने जो ये चिपका हुआ था ब्लेंडर पर वही लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और इसे चेक कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जितना नमक और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। याद रखें नमक हमने जो आलू उबाले हैं उसमें भी डाला है, तो आप उसके हिसाब से लीजिए। नमक को डालने के बाद इसे हम अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे ही पकाएंगे। इसे चलाते जाएंगे और इसे पकाएंगे। अगर छोड़ देंगे तो नीचे थोड़ा सा ये जल जाएगा, इसलिए इसे चलाना ही पड़ेगा। जब इसमें से ऑयल बाहर आने लगे, मतलब ये थोड़ा पक चुका है, इसे मिलाते रहेंगे और पकाएंगे। आप देखिए इसमें से ये ऑयल पूरा बाहर निकल चुका है। तब अब हम इसमें आलू है वो ऐड कर देंगे।
आलू को ऐड करने के बाद इसे हम धीरे धीरे ही चलाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे ही इसे मिक्स करना है। इसे धीरे धीरे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मसाला सभी आलू में लग जाए। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें नींबू ऐड कर देंगे। याद रखें, गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे उसके बाद ही नींबू डालेंगे इसमें। तो ये रेडी है, तो अब हम हमारा जो फ्राइम से उसे फ्राई कर लेंगे। तो ये यहाँ पर फ्राइम्स के लिए, यहाँ पर जो नॉर्मल जो बाजार में ये से येलो वाले फ्राइम्स मिलते हैं लंबे लंबे, वो मैंने ली है। ये इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो मिल जाते हैं। इस तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो रेडी हो चुके हैं हमारे मसालेदार चटपटे भुंगरा बटे का, जिसे मसाला भुंगरा भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कलर है और एकदम चटपटा भी बना है। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नेचुरल लाइफ विद नीना में आप पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।